प्रिय विद्यार्थियों मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2022 की टॉपर की कॉपी टॉपर यानी इस विद्यार्थी ने 80 के पूर्णांक में से कुल 80 अंक प्राप्त किए हैं आइए जानिए देख जानते हैं देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया और किस प्रकार से जो है पूरे प्राप्तांक जो है वो प्राप्त किए हैं ताकि आप भी जो है पूरे प्राप्तांक जो है वो अर्जित कर पाएँ तो ये उसकी मेरिट टॉपर की कॉपी है और इसी के साथ हम 2022 का जो है वो पेपर भी लेकर के आए हैं ताकि आप इसके अंदर देख सकें किस प्रकार से प्रश्न किए गए हैं और किस प्रकार से छात्र ने जो है उनके आंसर किए हैं तो पहला जो सेक्शन था पिछले वर्ष वो सेक्शन था कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए गए थे और इनका सही विकल्प जो है सही विकल्प जो था वो अपन को आंसर बुक में लिखना था पहला मानव में हृदय का एक तंत्र का भाग जो संबंधित है तो आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठा सातवा आठ नौ दस ग्यारह है और बारह है टोटल जो है वो बारह प्रश्न जो थे वो थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे और छात्र ने जो है वो टेबल बना करके सभी प्रश्नों के जो है वो आंसर यहाँ पर इस टेबल के अनुसार दिए हैं इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो यहाँ पर जो है कुल हम देखते हैं कि छः रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए थे टोटल जो है छः रिक्त स्थान थे एक एक अंक के छः प्रश्न थे यहाँ पर तो छात्र ने जो है वो पूरे वाक्य को लिखते हुए और ब्लैक पेन से जो है अंडरलाइन करते हुए सही आंसर को जो है यहाँ पर जो है वो दर्ज किया है ये हो गया दूसरा प्रश्न फिर तीसरा प्रश्न था अति उत्तरात्मक प्रश्न प्रश्नों का एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना था जैसे तंत्रिका उत्तक किसके के संगठित जल तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है ठीक है तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में थे एक दो तीन चार पत आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह प्रश्न जो थे वो एक शब्द या फिर एक पंक्ति में दिया जाना था तो इन्होंने किस प्रकार से आंसर किया है तो प्रश्न संख्या तीन में देखिए तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है जो आंसर था सिर्फ ये था इन्होंने पूरे वाक्य में इसको आंसर किया है फिर देखिए दूसरा पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के सबसे शरीर की वृद्धि का नियमन करती है सी एफ सी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन मानव की आंत में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है पुनः चक्रण की परिभाषा पूछी गई थी पुनः चक्रण की परिभाषा यहाँ पर इन्होंने दी है संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है फिर ये इन्होंने चित्र बनाया है आठवां अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं एक अंतर पूछा था अम्ल चार के अंदर पीएच का मान पाँच पॉइंट पाँच से कम होता है तो दांत दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है तो इन्होंने काफी सटीक आंसर इन्होंने यहाँ पर दिया है धारा नियंत्रक किसे कहते हैं धारा धारावाधि धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए तो दो दो अंतर इन्होंने स्पष्ट किए फिर बारवा था किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है अब अगला जो खंड है वो खंड वह है और इसमें चार से लेकर के सोलह तक प्रश्न दिए गए हैं तीन तो पहले हो चुके हैं हमारे और इनकी शब्द सीमा जो है वो पचास शब्दों की है तो देखिए जैसे पहला प्रश्न है जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका मानव में दो परिसंचरण क्यों आवश्यक है मेंढक एवं छिपकली के समझात अंग का चित्र बनाइए सातवां परितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं आठवां लोहध धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए नौवां लवण के विलियन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए दसवां मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच वाचकलास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए ग्यारहवां उषमा शो की परिभाषित कीजिए बारहवा तन्यता को परिभाषित कीजिए इसके सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिखिए चौदवा श्रेणी क्रम में संयोजित चार प्रतिरोधकों आर वन आर टू आर थ्री फोर के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की उत्पत्ति की कीजिए पंद्रवा एक चार ओम प्रतिरोध में दस एमपियर धारा दो सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए और जो था परिनालिका क्या है परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं अब देखिए इन्होंने कैसा किया है जैव विकास प्रक्रम में जीवाश के निविख भूमिका है तो इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चार पॉइंट में इस उत्तर को बांधने की कोशिश करी है प्रश्न संख्या पाँच हम देखेंगे मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है क्योंकि मानव को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ऑक्सीजन रुधिर और वियोक्सीजन रुधिर को अलग करने के लिए मानव हृदय को चार कोष्टकों में बांटा गया है फिर चटा मेंढक और चिपली का यहाँ पर वो जो चित्र है वो बनाया गया है सातवां परितंत्र में उपभोक्ता उपभोक्ता उत्पादक निम्न को कहते हैं उत्पादक की बात करी गई है उपभोक्ता की बात करी गई है बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है धातु पर भाव की क्रिया का नामांकित चित्र जो है इन्होंने बताया है तो पूरा चित्र इन्होंने जो है पूरा देखिए पूरे जो है इन्होंने नामांकित किया है सारे जो भी आइटम्स हैं यहाँ पर अभिक्रिया को लिखा है इन्होंने यहाँ पर फिर नौवा प्रश्न देख लीजिए नौवें प्रश्न में भी चित्र है दसवा प्रश्न है ये भी चित्र है तो देखिए ग्यारोसी और अभिक्रिया अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने यहां पर प्राकृतिक गैस का धन लिखा है तन्यता के बारे में देखिए धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है प्रकाश के केवर्तन के दो नियम इन्होंने यहां पर लिखे हैं तेरहवें प्रश्न में चौथे तो प्रश्न में देखिए इनका आंसर इनको बहुत अच्छा लगा है श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से तथा तीसरे तार का दूसरा सिरा चौथे तार के पहले सिरे से संयोजित हो तो वह संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम में धारा प्रवाह धारा समान व विभवांतर अलग अलग होते हैं तो देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा उत्तर यहाँ पर लिखा है शायद और ये पूरा विवरण इन्होंने यहाँ पर दिया है पंद्रवा प्रश्न देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कितनी होगी 800 जूल होगी इन्होंने दिखा है परिणालिका से चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं तो इसे चुंबक कहते हैं ये इन्होंने 16 उत्तर दिया है अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 से 20 तक ये जो है 100 शब्दों की सीमा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीन घटनाओं को बताओ गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाओ ये सत्रहवा प्रश्न है अठारहवाँ प्लेनेरिया का चित्र बनाइए तथा विकास से संबंध में जीवास के महत्व को बताइए अथवा में पूछा गया है मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए फिर उन्नीसवाँ आक्षीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए निम्नलिखित रासायन समीकरण को संतुलित करो इसको संतुलित करने के लिए कहा गया है अथवा में है अपचयन अभिक्रिया को समझाइए उधर पूछा गया था ऑक्सीकरण को इधर अपचयन को दे दिया गया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाना है बीसवा प्रश्न है मोटर का क्या सिद्धांत है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र तथा कार्य प्रणाली समझाइए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या जो है वो प्रश्न संख्या सत्रह दिया गया है मानव के फुफ्फुस का मनुष्य एक नाशा द्वार का फिर उन्होंने चित्र बनाया है डायफ्राम कोपिकाएँ वगैरह उन्नीस का अपचयन अभिक्रिया इन्होंने करी है तो अपचयन अभिक्रिया उदाहरण देते हुए संतुलित समीकरण इन्होंने यहाँ पर संतुलित कर दिया है फिर बीसवा प्रश्न था विद्युत मोटर ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर विद्युत मोटर के सिद्धांत का वर्णन किया है और फिर यहाँ पर उन्होंने विद्युत मोटर का जो चित्र है वो बनाया है इसकी कार्य प्रणाली यहाँ पर इन्होंने समझाई है मेंडल में अनेक विपर्या लक्षणों वाले मटर का चयन किया मेंडल का जो प्रयोग है वो वहां यहाँ पर सचित्र इन्होंने वर्णन किया है इसका खंडदय ढाई सौ शब्द सीमा के अंदर इसको लिखा जाना था कि इस प्रतिवृत्ति क्रिया का एक उदाहरण लिखिए जंतुओं में प्रतिवृत्ति चाप क्यों विकसित हुआ है प्रतिवृत्ति चाप का नामांकित चित्र बनाइए ये किस नंबर प्रश्न था इसके अथवा में प्रश्न जरूर होगा अंडा से द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखो किनिन्हीं दो अंत स्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए मादा मानव में अंत स्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए तो ये हो गया प्रश्न तो इन्होंने जो है वो पहले 21 प्रश्न संख्या इन्होंने पहले 22 किया है 22 21 नंबर देखते हैं कहाँ किया है तो क्रिया किसी गर्म वस्तु को छूने पर जल्दी से हाथ हटा लेना प्रतिक्रिया हो गई ये फिर उन्होंने चित्र बनाया है गरम वस्तु वगैरह का अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जिप्सम चूर्ण बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा इसमें पूछा है जब साधारण नमक के जलीय विलन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो तो गैसे एक्स वाई निकलती हैं गैस एक्स फटफट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस वाई जल को मुक्त करने के लिए उपयोगी है गैस एक्स वाई कौन सी होंगी उनके नाम लिखिए अथवा में जो प्रश्न है वो दिया गया है सारणी दी गई है नींबू का रस मान सिरका जटर रस टमाटर का रस उपरोक्त साधनी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखना है दूसरा है जब एक सोडियम यौगिक एक्स की तनु एच के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण जल ए गैस वाई प्राप्त होती है यौगिक एक्स का पावरोटी ब्रेड को मुलायम एवं स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है गैस वाई चूने के पानी को दूध या श्वेत कर देती है यौगिक एक्स वाई वाई का नाम लिखना है तो ये प्रश्न था इन्होंने बाईस नंबर कैसे किया देखते हैं हम तो जिपसिंग का जो रासायनिक सूत्र इन्होंने ये लिखा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र फिर उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है पहली दूसरी क्लोरीन गैस है प्रश्न संख्या तेईस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए फिर ये सवाल है कि एक चार पॉइंट जीरो सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी बारह सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से अठारह सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज लिखिए अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस एफ वक्रता सी के मध्य स्थित का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए निर्धारित करता है की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यह किस प्रकार का लेंस है एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र बनाइए तो संबंधित प्रश्न है और इन्होंने यहां पर लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं इसका डायोप्टर मायत्रक लिखा है इन्होंने फोकस दूरी का जो सवाल है चित्र बनाते हुए किया है वस्तु अनंत पर हो तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने देखा कि उपरोक्त छात्र ने वर्ष 2022 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें सही तरीके से कार्य करते हुए पूरे जो हैं अस्सी अंक प्राप्त किए हैं आप भी अध्ययन करके और अच्छी तरीके से कार्य स्पष्टतया कार्य करके पॉइंट टू तो पॉइंट कार्य करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच